हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रूफ करेंगे कि अ साइक्लिक ट्रेपेजियम इज आइसोस्केलेस एंड इट्स डायगोनल आर इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ट्रेपेजियम है वो आइसोस्केलेस है और उसकी डायगोनल भी इक्वल है। आइसोस्केलेस है मतलब उसकी दो साइड्स जो है वो इक्वल होंगी, जो कि नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल होंगी। मतलब ए डी क्या होगा, बी सी के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। और क्या करना है, जो डायगोनल है वो भी इक्वल है, मतलब जो ए सी है वो बी डी के इक्वल है। ये ए सी डायगोनल है और बी डी भी डायगोनल है, जो ए डी और बी सी है वो भी इक्वल होंगी, क्योंकि ट्रेपेजियम क्या होना चाहिए, आइसोस्केलेस। मतलब ट्रेपेजियम के आइसोस्केलेस होने का मतलब होता है कि जो उसकी दो नॉन पैरेलल साइड होती है ट्रेपेजियम की, वो क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम तो क्या हमें क्या करना है, ये तो क्या करना है, प्रूफ। और गिवन क्या है, गिवन है कि जो ट्रेपेजियम ए बी सी डी है वो क्या है, साइक्लिक है। ए बी सी डी अगर साइक्लिक है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल बी है प्लस एंगल डी है वो क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अच्छा, और एक और बात कि जो ए बी सी डी अगर ट्रेपेजियम है तो ए बी क्या होगी, पैरेलल होगी सी डी के। तो फिर हम पैरेलल साइड्स की एक प्रॉपर्टी जानते हैं। पैरेलल साइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है, ये एल वन है, ये एल टू के पैरेलल है। एल वन पैरेलल टू एल टू है, ये किसी लाइन ने उसे इंटरसेक्ट किया ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर। तो फिर इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, ट्रांसवर्स एंगल होते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स एंगल। तो ऐसे यही प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम इस ट्रेपेजियम में। तो जो एंगल है, एंगल सी प्लस एंगल बी, इसका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सी प्लस एंगल बी 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, ये इक्वेशन है एक फर्स्ट, एक इक्वेशन ये सेकेंड। ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन वन में सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, एंगल सी माइनस एंगल बी इज इक्वल टू जीरो। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, मतलब जो एंगल डी सी बी है वो इक्वल है एंगल सी बी ए के। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो अब हमें प्रूफ क्या करना था कि जो बी सी है वो ए डी के बराबर है और जो ये दोनों डायगोनल है वो भी इक्वल है। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स, एक जो ये ट्रायंगल है ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बी सी डी, ये ट्रायंगल बी सी डी, अगर ये दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनके पूरे साइड और पूरे एंगल इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल अगर मैं ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं किसके, ट्रायंगल बी सी डी के, तो जो ए डी साइड है वो बी सी के बराबर होगी और जो बी डी बी डी साइड है, जो ये बी डी साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के। और यही हमें प्रूव करना है। तो अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि मैं ट्राइंगल ए डी सी को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूँ ट्राइंगल बी डी सी के। ये क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो अब हम इन ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल मतलब ये क्या है, टू प्रूफ है हमारा, है ना, एक तरह से आपके लिए, ए डी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या करेंगे, देखिए ए डी सी और बी डी सी में एक साइड कॉमन है, वो साइड कौन सी है, सी डी। सी डी साइड दोनों में कॉमन है। और जो एंगल है, एंगल डी सी बी इक्वल है एंगल सी बी ए के। ठीक है, और जो हमारा एंगल डी ए सी है, और जो हमारा एंगल डी ए सी है, डी ए सी ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होगा, एंगल इक्वल होगा एंगल सी बी डी के। अच्छा, अब इसका रीज़न देख लेते हैं कि जो एंगल डी ए सी है ये वाला एंगल, और जो एंगल है सी बी डी ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि ये जो हमारा सर्किल है वो कैसे है, ये हमारा सर्किल बना दिया और इसमें ये है। अब हमने क्या किया, उस सर्किल को रोटेट कर दिया। तो देखिए, रोटेट करने पर देखेंगे कि ये जो एंगल डी ए सी है और जो एंगल सी बी डी है, जो एंगल डी ए सी है और जो एंगल सी बी डी है, वो सेगमेंट के एक ही साइड लाई कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि कोई भी सेगमेंट जो अपने अपने अपोजिट, अपने करस्पॉन्डिंग जो दूसरा आर्क रहती है सर्किल की, उस पर जो एंगल सब्टेंड करती है वो पूरे एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ये थ्योरम हमने सर्किल में पढ़ी है पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो हमने इससे कह दिया कि एंगल डी ए सी क्या है, एंगल सी बी डी के इक्वल, इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो हमारे दो एंगल इक्वल है और एक उनमें नॉन इंक्लूडेड साइड वो भी इक्वल है। तो हम यूज़ करेंगे ए ए एस प्रॉपर्टी का, हम यूज़ करेंगे ए ए एस, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी का। उससे हम कह सकते हैं
कि ये दोनों ट्रायंगल है जो एडीसी है, ट्रायंगल ए ट्रायंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल बीडीसी के, ठीक है, ट्रायंगल एडीसी ट्रायंगल बीडीसी के कॉन्ग्रुएंट है। और उससे हम अब हम क्या कह सकते हैं कि जो एडी है वो बीडी के बराबर होगी और जो एसी है वो बीसी के बराबर होगी। यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई हो। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट साइड इक्वल हो जाती है तो जो अदर दो साइड है वो क्या होंगी, पैरेलल। तो ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।